आलोक जी, दम छोटा सा जवाब, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि आपका भी कैन ऑफ वर्म्स है जिसको वो उतारने की कोशिश कर रहे हैं। हर किसी की कालीन के नीचे कतरन छिपे हुए हैं, आपके वक्त का भी यही है पूरी कहानी। आपने भी तो इसी सिस्टम से पैसा लिया ना सर, कौन कौन सी कंपनी से लिया आप भी बताइए। मैं फिर कहूंगा उनकी सरकार है, जांच कराएं। हमारे पास ईडी सीबीआई या इनकम टैक्स है क्या कि हम किसी के ऊपर हफ्ता वसूली जो सरकार कर रही है कि हम किसी के ऊपर दबाव बनाकर हम उससे पैसे ले सकते हैं? तो तुलना ना करें आप, तुलना करना बिल्कुल गलत होगा। हम तो कह रहे हैं कि जांच कीजिए। सबसे पहले किसने विरोध किया था इस योजना का? सबसे पहले माननीय राहुल गांधी जी ने 2018 के अंदर इसका विरोध किया था कि ये पूरी तरह से करप्शन का एक ऑर्गेनाइज्ड मॉडल आ रहा है। उनका ट्वीट भी यहाँ पर है मेरे पास, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इनको पूरी तरह से पता था। आप देखिए, इनका एक खास बात और है। देखिए, बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं पूरा शो आपको नहीं बोलूंगा। फिर बहस में यही होता है। फिर ये कहूंगा, आप इसके अंदर एक क्रोनोलॉजी और है। 2018-19 लोकसभा का चुनाव, 2018 पांच राज्यों का, छोटे राज्यों का चुनाव, उसके बाद जब जब चुनाव आया है तब तब बीजेपी को चंदा मिला है, जब जब काम ठेके आए हैं तब तक हुआ है। आप देखिए किस तरह से कंपनी के बारे में थे तो आपको ज्यादा पैसा मिलता था, आप भी यही करते हम थे। हम तो क्या कह रहे हैं कि 10 साल हो गए ना, आपकी सरकार है, आपकी सरकार पकौड़े चल रही है क्या? जांच क्यों नहीं करते आप? मैंने अभी भी चैलेंज किया, पेट्रोल डीजल पे मुझे जवाब नहीं मिला। गौरव जी, बता दीजिए कि एक FIR मोदी सरकार ने की हो और उसमें एक व्यक्ति कन्विक्ट हो गया हो? थोड़ा सा रुक जाइए, में बदलाव करेंगे, सब चीजें करेंगे। चाइना से पैसा लेंगे, पाकिस्तान से पैसा लेंगे और पूरे देश को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे। ठीक है, अरविंद वाजपेयी जी जवाब दीजिए, क्योंकि आप एक वकील भी हैं गांधी फाउंडेशन में। एक सेकंड प्लीज, बाकियों को भी मौका नहीं दीजिए। अरविंद वाजपेयी जी, आप एक वकील भी हैं। अभी दोनों लोगों की बहस सुनी जा रही थी और जनता सुन रही, करोड़ों लोग देखते हैं आपका चैनल। वो ये सोच रहे हैं कि अगर एक का घोटाला है तो खुद जो लड्डू इन्होंने खाया हुआ है वो लड्डू कह रहे हैं जी हमने नहीं खाया, जांच कराइए। क्या आर्ग्यूमेंट है? मतलब जनता कोई बेवकूफ समझ रहे हैं क्या? अरे भाई, हमारी कंपनी है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट के ठेके हम दे रहे थे क्या? बंदरगाह और हवाई अड्डे हम दे रहे थे क्या? रजब भाई, अब तुलना कैसे कर सकते हैं? समझिए ना, आप कह रहे हैं कि आपको प्यार से इन कंपनीज ने आपको पैसा दिया, डर के नहीं दिया, उनको कांग्रेस पार्टी में विश्वास था। क्या इलेक्टोरल फंडिंग गुनाह था? नहीं नहीं, मैं सवाल तो पूरा होने दो। कह रहे हैं ना, अगर किसी ने गलत दिया हमसे, कोई एनडीयू फेवर लिया तो 10 साल से इनकी सरकार में है ना सर। और जनता की सारी मोहब्बत उधर जा रही है, अगर वोट उधर दे रहे हैं तो थोड़ा सा तो प्रोपोर्शन भी दिखना चाहिए ना। सब आए सामने आए, बताएं हमने इससे इतना पैसा लिया, इतना पैसा लिया। जिन्होंने लिया हो, टीएमसी नंबर 2 पर है। छुपा कौन रहा है? टीएमसी नहीं छुपा रही है, कांग्रेस पार्टी नहीं छुपा रही है। छुपा कौन रहा है? जिस जो नेशनल लूट अलायंस है वो छुपाने का काम कर रहा है। नेशनल लूट अलायंस SBI को बचाने का काम कर रहा है। इन शब्दों को बोलने से नहीं चलने वाला, प्लीज सर, प्लीज। इससे वोट नहीं मिलता। अगर कोई जस्टिफाइड बात करो तो ईवीएम से मिलता है। अरे अरे अरे, सुन लो ना, ये तो आप 9 साल से कर रहे हो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? वोट तो नहीं मिलता ना। देखिए, लीगल तरीके से जस्टिफाइड बात जनता को समझानी पड़ेगी। आपको समझाने का कोई हक नहीं है, बिकॉज आपको भी पैसा मिला है। आप कैसे चैलेंज कर लोगे बताओ? और डोनेशन, दूसरी बात ये होती है कि वॉलंटरी एक्ट होता है किसी का, किसको डोनेशन देगा, किसको डोनेशन नहीं देगा। हाउ यू कैन क्वेश्चन? आपने सीबीआई पूरी तरह से काम कर रही है, ईडी सीबीआई जाके बताती है। नॉट फेयर, नॉट फेयर आलोक जी, नॉट फेयर। अरे स्टूडियो में रहने का फायदा उठा रहे हैं आप आलोक जी, स्टूडियो की आवाज नीचे कर दीजिए प्लीज। बस अगर आप बीच में बोल के डिस्टर्ब करेंगे तो कैसे बात करेंगे? ठीक है, उसी का वो जवाब दे रहे हैं ना। हम ये कह रहे हैं कि आलोक जी, आपके इस आर्ग्यूमेंट से जनता प्रभावित बिल्कुल नहीं होती है। आप शुरू करो ना, रॉबिन से प्रभावित होगी। वाह वाह वाह, बड़े घबरा गए हो, बड़े घबरा गए। उसके बाद अरे सुन तो लो पहले, जवाब तो तभी दोगे जब सुनोगे। अरे लेकिन अरविंद जी, पता तो चले किसने किसने लड्डू खाया, कितना लड्डू खाया, कौन किस वजह से लड्डू दिया। वो तो एक इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ने बकायदा पेस्ट कर दी है लिस्ट, कितना कितना पैसा मिला, कितने बॉन्ड हुए। आलोक जी गलत बात है, प्लीज आलोक जी डर रहे हैं, क्या हो गया? आप शाउटिंग मैच कर रहे हैं, नहीं ये प्लीज आप दूसरे चैनल पे कीजिएगा जाके। मैंने सुनिश्चित किया कि आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। आवाज नीचे कर दीजिए पूरे स्टूडियो की, मेरी भी आवाज नीचे कर दीजिए। जानकारी देंगे, बात पूरी कीजिए, उसके बाद दोनों मेहमानों के पास। हमें कोई जरूरत नहीं है जादूरी जानकारी देने की ना गुमराह करने की। हम जो फैक्चुअल है वही बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार SBI ने इलेक्शन कमीशन को दिया, इलेक्शन कमीशन ने साइट पे कर दिया। एक लिफाफा इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट का,
जो एसबीआई से पहले गया था जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा था, तो एक लिफाफा इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया था, वो सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में था। आज सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी कि वो लिफाफा इनको वापस कर दीजिए, वो रिकॉर्ड भी है इलेक्शन कमीशन की साइट पर डाल देंगे, इसमें क्या दिक्कत है? आप उसको कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगा दी, आपके घर भी झूठ बोल रहे हैं आप बैठकर। आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है और केंद्र सरकार के तुषार मेहता ने मंडे तक का टाइम मांगा है, सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ एक्शन पास करने वाला था। चलिए ठीक है, सुनील जी अरविंद जी बात पूरी कीजिए, अरविंद जी बात पूरी कीजिए। इलेक्शन कमीशन के हाथ में वो लिफाफा मिल जाएगा। प्लीज आलोक जी, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अरे तुम आप लगातार बोल रहे हैं, आप लगातार बोल रहे हैं। आप आ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, मैं चली जाती हूँ। तमाशा मचा रखा सर आपने, ये तरीका नहीं होता ना, उनको पूरा करने दीजिए। अगर मैं मौका, आप मांगिए मुझसे मौका, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगी ना। आप सुनने दे रहे हैं कुछ ना किसी को बोलने दे रहे हैं। शाउटिंग मैच करना है तो जाइए सड़क पर कीजिए सर, ऐसे थोड़ी होता है। रिस्पेक्टफुली बोल रही हूँ, प्लीज लिसन टू मी सर, प्लीज। अरविंद जी बात पूरी कीजिए। हम सिंपल इतनी सी बात कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को कल 5 बजे तक का टाइम मिला है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और एसबीआई को मंडे को बुलाया है। जो इलेक्शन कमीशन के पास जो लिफाफा कोर्ट में जमा कराया था सुप्रीम कोर्ट में, वो लिफाफा कल 5 बजे तक उनको मिल जाएगा वापस। उसमें जो डाटा है वो भी इलेक्शन कमीशन साइट पे डाल देगा, इसमें कहां इतराज है? कोई चीज लुका छुपी थोड़ी होती है सिस्टम में। किश्तों में क्यों किया जा रहा है, क्या वजह है? कोई डर है? नहीं, वजह नहीं है। जो पिछली बार ऑर्डर हुआ उसमें उस लिफाफा चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जमा था, तो वो तो डाल नहीं सकता ना, किसी की प्रॉपर्टी, वो सुप्रीम कोर्ट की प्रॉपर्टी, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार को डायरेक्शन दी कि आप इनको वापस करिए, ये डालें। सुनील सिंह यादव जी, मुद्दा ये है कि बीजेपी 80 सीटों पर यूपी में लड़ रही है, 16 सीटों पर वो नंबर 2 पोजीशन पे थे पिछली बार, वो पूरी ताकत झोंक रहे हैं जाकर जमीन पर, जल्दी से जल्दी स्टेट बाय स्टेट। पश्चिम बंगाल तो निकल गया, ममता जी के साथ नहीं हो पाया, उन्होंने अपने पार्टनर्स का अनाउंसमेंट कर दिया। जल्दी से जल्दी मैदान पर उतरकर लोगों को कन्विंस करना होगा, जनता में अपनी बात पहुंचानी होगी। चुनावी तैयारी के तौर पर आप क्या कहेंगे, क्या बताएंगे? योगी तो घूम रहे हैं, अयोध्या से उन्होंने शुरुआत कर दी है। देखिए अंजना जी, मैं आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहली सूची अगर प्रत्याशियों की किसी समाजवादी पार्टी ने दी है, और हम लोग लगातार बूथ पर, सेक्टर पर, पोलिंग पर, रात पे अपना काम, और आपने जब कार्यक्रम की शुरुआत की तो बीजेपी के प्रवक्ता साहब बताइए तैयारी क्या है, ये तो हमसे पूछने की तैयारी क्या है। भाजपा से तो देश ये पूछ रहा है कि आपने जो 10 साल में वादे किए थे उसमें आपने कितने पूरे किए। और भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद था, जो इनकी देशभक्ति थी, जो इनकी फकीरी थी, जो इनकी ईमानदारी थी, जो इनकी 24 घंटे काम करने की चेहरा था, वो तो दर पर दर सब कुछ साफ होता जा रहा है। आप सोच सकते हैं, ठीक है चंदा आप लीजिए, खूब लीजिए, लेकिन क्या कोरोना महामारी में भी आप वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से भी चंदा के नाम पर पैसा ऐंठ लेंगे? पहले मुझे कहानी याद आ रही है कि जैसे शोले पिक्चर में गब्बर सिंह पहले नहीं जाते थे, पहले सांभा और कालिया जाते थे, तो पूरे देश में पहले ईडी और सीबीआई जाती है कंपनियों के पास, पहले ब्लैक लिस्टेड करती है, धमकी देती है, गब्बर सिंह बाद में वसूली करते हैं। अब जब वसूली की सूची माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गब्बर सिंह की देश के सामने रख दी, तो अब समझ में आ रहा है कि असली गब्बर सिंह कौन है, असली भ्रष्टाचारी कौन है, किसने लूटा है देश को, किसने बर्बाद किया है, कौन राष्ट्रवादी है, कौन 24-24 घंटे काम करता रहा। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी 24 घंटे किसानों के लिए काम करते तो किसानों की आय दोगुनी हो जाती है अंजना जी, बेरोजगार नौजवानों के लिए काम करते तो रोजगार मिल जाते, महंगाई कैसे कम होती है इस पर काम करते तो महंगाई कम हो जाती, डीजल पेट्रोल और गैस के दाम चुनाव के समय नहीं कम करने पड़ते। अगर सीमा की सुरक्षा पर काम करते तो आज देश की सीमाएं सुरक्षित होती। लेकिन हमें भरोसा है, मैं फिर कह रहा हूं आपके कार्यक्रम में, आज की डिबेट में जब कल डेटे आनी है, आचार संहिता लागू होनी है, एक दिन तारीखों के एक दिन पहले कह रहा हूं, पूरी देश में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट नहीं पाने जा रही, सरकार बदलने जा रही है,
और जो हमारे नेता कहते हैं कि जो 14 में आए थे वो 24 में जा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश से जीत के गए थे वो उत्तर प्रदेश से ही हार के सरकार से हटने जा रहे हैं।